हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग बाय रंगरेज। आज की इस वीडियो में हम 5 से 6 साल के बच्चे के लिए वी शेप जैकेट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 1/2 मीटर फैब्रिक लिया है। इसको पहले हम इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड हमें कितना करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ आपको 1.5 इंच पर एक मार्क लगाना है। यहाँ फिटिंग का चौथा हिस्सा, मैं यहाँ 7 इंच पर मार्क लगा रही हूँ। यहाँ 1.5 इंच, यहाँ फिटिंग का चौथा हिस्सा, और यहाँ पर आप जितना भी 1 इंच 1.5 इंच का मार्जिन चाहते हैं उतना आप कपड़ा ले लें। तो यहाँ पर ये 10 इंच का मैं कपड़ा फोल्ड कर रही हूँ। पहले मैं यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दूँगी। अब ये देखिए, खुली हुई साइड को मैंने मेरी तरफ कर लिया है। यहाँ से खुला हुआ साइड है। अब यहाँ पर मैं 1.5 इंच पर सारी तरफ मार्क लगा लूँगी। और इस मार्क को हमें सीधा कर लेना है। अब यहाँ ऊपर की साइड कपड़े को सीधा करने के लिए एक मार्क लगा लूँगी। अब यहाँ जैकेट की लेंथ में 1 इंच प्लस करके मार्क लगा लूँगी सारी तरफ, और इस मार्क को भी हमें सीधा कर लेना है। अब शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर 12 इंच है, तो उसका 1/2 6 इंच और उसमें 1/2 इंच प्लस करके 6.5 इंच पर मैं शोल्डर का मार्क लगा रही हूँ। यहाँ पर भी 6.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ आर्म होल का, और यहाँ पर भी 6.5 इंच पर, और इन दोनों मार्क को मिला लूँगी। यहाँ पर फिटिंग का चौथा हिस्सा और उसमें 1.5 इंच प्लस करके 8.5 इंच पर मैं यहाँ मार्क लगा रही हूँ। फिटिंग का मार्क आपको आपके बच्चे के फिटिंग के अकॉर्डिंग लगाना है। यहाँ 8 इंच पर और यहाँ पर 8.5 इंच पर इन तीनों मार्क को गोलाई में मिला लूँगी। अब यहाँ इस मार्क से 2.5 इंच पर एक मार्क लगा लेना है, और यहाँ 1 इंच नीचे की तरफ एक मार्क लगा लेना है। इन दोनों मार्क को भी इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ 1/2 इंच अंदर की तरफ एक मार्क लगाना है, और इस तरीके से एक तिरछा मार्क लगा लेना है। यहाँ आर्म होल की गोलाई दे देना है। अब यहाँ पर 7 इंच पर एक मार्क लगाना है, और इस मार्क को गोलाई देते हुए ऊपर के मार्क से मिला देना है। अब यहाँ पर फिटिंग के चौथे हिस्से का 7 इंच पर मार्क लगाना है। इसके सेंटर में एक मार्क लगाना है, और 2 इंच नीचे की तरफ सारी तरफ एक मार्क लगाना है, और इस मार्क को भी हमें सीधा कर लेना है। अब यहाँ भी सेंटर पर मार्क लगाना है। अब इस सेंटर के मार्क को इस मार्क से मिला लेना है, और यहाँ 3 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगाना है, और इस सेंटर के मार्क को इस मार्क से मिला लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम जैकेट के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फिर से हम कपड़े को एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, और फ्रंट पार्ट को हमें जैकेट के इस तरीके से इस पर रख लेना है। मार्किंग वाली साइड को हमें फोल्डिंग वाली साइड से बिल्कुल मिला लेना है, और यहाँ ऊपर की साइड से भी हमें 2 इंच कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ देना है। अब बैक साइड के पार्ट पर भी हम जैकेट की लेंथ का मार्क लगा लेंगे। इसी मार्क के बराबर हम बैक पार्ट पर भी मार्क लगा लेंगे इस तरीके से, और ऊपर वाले मार्क को आपको नीचे वाले मार्क से इस तरीके से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रख लेना है। यहाँ पर आप एक मार्क लगा लें, और इसके 2 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगा लें, और इस मार्क को भी सीधा कर लें। अब जो हमने फ्रंट पार्ट पर शोल्डर का मार्क लगाया था 6.5 इंच पर, वही मार्क हम यहाँ पर भी लगा लेंगे, और एक मार्क हम 6.5 इंच पर यहाँ पर लगा लेंगे, और इन दोनों मार्क को मिला लेंगे।
यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दे देंगे। यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क लगा लेंगे, यहाँ 1 इंच शोल्डर डाउन का और इन दोनों मार्क को भी मिला लेंगे। यहाँ 1 इंच नीचे की तरफ एक मार्क लगाकर गले की गोलाई दे देंगे। अब यहाँ फिटिंग का मार्क लगा लेंगे। अब हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। अब जैकेट के फ्रंट पार्ट पर हम एक पॉकेट और 2 फ्लैप लगाएंगे, तो अब हम उसकी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको आर्म होल के बराबर पर इस तरीके से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर मार्क लगाना है। यहाँ पर मैं 3 इंच का पॉकेट का मार्क लगा रही हूँ। और यहाँ से 5 इंच ऊपर की तरफ फ्लैप के लिए मार्क लगा रही हूँ। यहाँ ओपन साइड से 3 इंच की दूरी पर एक मार्क लगाना है और 3.5 इंच पर एक मार्क लगाना है। 3.5 इंच की हम फ्लैप रखेंगे। दूसरे पार्ट पर भी हम इसी तरह से मार्किंग कर लेंगे। जैकेट पर हम पॉकेट नहीं लगाने वाले हैं, सिर्फ पॉकेट की डिज़ाइन लगाने वाले हैं। इस पार्ट पर भी फ्लैप के लिए मार्किंग हो गई है। अब हम अस्तर की कटिंग करेंगे। तो देखिए, अंदर अस्तर के लिए मैंने ये फैब्रिक लिया है। इसको हम पहले इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट के एक पार्ट को आपको इस तरीके से ले लेना है और इसे इस पर रख कर मार्किंग कर लेना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट पार्ट के इनर की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, ये 2 पीस है। अब हम बैक पार्ट के इनर की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फिर से मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और मार्किंग कर लेंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। जैकेट की कटिंग हो चुकी है। अब हम जैकेट के फ्रंट पार्ट पर जो फ्लैप लगाएंगे उसकी कटिंग कर लेंगे। उसके लिए मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैं मार्क लगा रही हूँ 4 इंच का, और लंबाई में मैं यहाँ 2.5 इंच का मार्क लगा रही हूँ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये 2 पीस कट हो चुके हैं। अब हम एक और बार इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ से तिरछी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, हमारे दोनों फ्लैप की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम जैकेट की स्टिचिंग करेंगे। पहले हम जैकेट के इनर को ले लेंगे और मेन फैब्रिक को अलग कर लेंगे। अब इस बैक पार्ट पर हमें फ्रंट पार्ट को इस तरीके से रख लेना है और इसके शोल्डर की सिलाई लगा लेना है यहाँ पर। अब इसी तरीके से हमें मेन फैब्रिक लेना है और उस पर फ्रंट पार्ट को रखकर इसके भी हमें शोल्डर जॉइंट कर देना है। ये देखिए, जैकेट पर हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है
और इनर पर भी हमने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधी साइड से इस तरीके से रखेंगे, इनर को हम उल्टी साइड से रखेंगे। तो हमें इनर को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है, शोल्डर की सिलाई से शोल्डर की सिलाई मिलाना है और सारी तरफ से हमें इसे मिला लेना है। अब इनर को जैकेट पर अच्छी तरह से रखने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें यहाँ से शुरू करना है इस तरीके से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ और यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक आपको सिलाई लगाना है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ आपको ख़त्म करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको सिलाई लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आर्म होल पर सिलाई लगाना है दोनों तरफ इस तरीके से, और इस वाले आर्म होल पर भी आपको सिलाई लगा लेना है। तो चलिए अब हम सिलाई लगाते हैं। यहाँ की सिलाई हमने लगा ली है, अब हम आर्म होल की सिलाई लगाएंगे। आर्म होल की भी सिलाई हमारी लग चुकी है, अब हम जैकेट के सारे कॉर्नर पर इस तरीके से कट लगा देंगे। सारी ही तरफ आपको इस तरीके से कट लगा लेना है और कॉर्नर वाले साइड को इस तरीके से कट कर देना है। अब यहाँ जैकेट की गोलाई पर भी आपको कट लगा लेना है। यहाँ सारी तरफ आप कट लगा लें और यहाँ आर्म होल पर भी आप दोनों तरफ कट लगा लें। कट लगाने के बाद जैकेट को हम पलट लेंगे। तो देखिए जैकेट को हमें कैसे पलटना है, यहाँ से इस तरीके से इस वाले शोल्डर से हमें एक पार्ट को निकाल लेना है इस तरीके से, और यहाँ दूसरे शोल्डर से भी हमें दूसरे पार्ट को निकाल लेना है। अब जैकेट के सारे कॉर्नर को आपको अच्छे तरीके से निकाल लेना है और आप चाहें तो इस पर प्रेस भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसके सारे कॉर्नर निकाल लिए हैं। अब हम जैकेट पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हम फिटिंग की मार्किंग कर लेते हैं। तो पहले आपको इस तरीके से जैकेट को रख लेना है। अब यहाँ से आपको फ्रंट के पार्ट को इस तरीके से हटा देना है और बैक पार्ट के मेन फैब्रिक को आपको हटा देना है। अब यहाँ जो ये इनर बचेगा इस पर हमें फिटिंग की मार्किंग करना है। फिटिंग की मार्किंग करने के बाद आप अब ध्यान से देखिएगा कि हमें फिटिंग की सिलाई कैसे लगाना है। आर्म होल के दोनों साइड को हमें इस तरीके से मिला लेना है। तीन फैब्रिक को मैंने हाथ में लिया हुआ है एक तरफ, और बैक साइड के इनर को मैंने एक तरफ छोड़ा हुआ है। अब इस तरीके से आपको इन तीनों फैब्रिक को दूसरी तरफ कर देना है
और यहाँ हमने फिटिंग की मार्किंग की थी, उस पर आपको फिटिंग की सिलाई लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बार अच्छे तरीके से समझा देती हूँ कि आपको किस तरीके से सिलाई लगाना है। ये देखिए मैंने जैकेट रखा हुआ है। अब यहाँ पर हमें आर्म होल को इस तरीके से मिला लेना है, दोनों आर्म होल को। एक हाथ में मैंने फ्रंट पार्ट और बैक साइड का मेन फैब्रिक लिया हुआ है, उसको मैं इस तरीके से दूसरी तरफ कर दूंगी। और यहाँ से इनर को मैंने छोड़ा हुआ है, तो इनर पर हमें यहाँ पर मार्किंग पर फिटिंग की सिलाई लगाना है। तो चलिए अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। अगर आपको अब भी समझ नहीं आया है तो आप ये देखिए मैं सिलाई लगा रही हूँ, आप इस तरीके से देख लें कि मैंने ये किस तरीके से सिलाई लगाई है। तो ये देखिए जैकेट की फिटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है। अब यहाँ से आपको फ्रंट पार्ट को इस तरीके से अंदर की तरफ कर देना है। और यहाँ से हमारा आधा इंच फैब्रिक बचा हुआ है सिलाई के लिए। ये देखिए दोनों तरफ से ही आधा इंच कपड़ा छूटा हुआ है, यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको फ्रंट के दोनों पार्ट अंदर की तरफ कर देना है और यहाँ पर हमें आधा इंच की सिलाई लगा देना है। अब जैकेट पलटने के लिए हमें यहाँ से थोड़ी सी जगह छोड़ना है, तो पहले हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे और फिर इतना हिस्सा हम जैकेट पलटने के लिए छोड़ेंगे। और यहाँ से हम फिर से सिलाई शुरू करके यहाँ तक ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ से हमें जैकेट को निकाल लेना है। तो ये देखिए जैकेट की फिटिंग की सिलाई भी हमारी अंदर की तरफ जा चुकी है और इस खुले हुए साइड को भी हम अभी सिलाई लगाकर पैक कर लेंगे। तो पहले आप जैकेट के कॉर्नर को अच्छे तरीके से सारी तरफ से निकाल लें इस तरीके से। आप चाहे तो जैकेट पर प्रेस भी कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर जैकेट पर सारी तरफ सिलाई लगाएंगे। फिर से हमें उसी तरीके से सिलाई लगाना है, यहाँ से शुरू करना है और जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं हमें ख़त्म करना है। और ये जो खुला हुआ साइड है उसे भी हमें अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा देना है। और यहाँ आर्म होल पर भी आपको सिलाई लगा लेना है दोनों तरफ। तो चलिए अब हम सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए जैकेट तो हमारा पूरा बनकर तैयार है। अब हम इस पर पॉकेट की डिज़ाइन बनाएंगे।
अब हम इस पर दो फ्लैप लगाएंगे और एक पॉकेट की डिज़ाइन लगाएंगे। तो पहले हम जैकेट की फ्लैप बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये मैंने दोनों फ्लैप ले ली है और ये मैंने दो कपड़े ले लिए हैं। अब यहाँ पर हमें फ्लैप के ऊपर तीनों तरफ सिलाई लगा लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेना है और तीनों कॉर्नर को कट करके और इसे सीधा कर लेना है। अब कैंची की सहायता से इसके तीनों कॉर्नर को निकाल देना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। तो ये देखिए एक फ्लैप हमारी बनके तैयार है। अब हम इसी तरीके से दूसरी फ्लैप को भी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों फ्लैप हमारी बनके तैयार है। अब हम जैकेट पर फ्लैप की मार्किंग के ऊपर इस तरीके से फ्लैप को रखेंगे। मार्किंग थोड़ी लाइट हो गई है तो मैं उसे एक और बार इस तरीके से मार्क कर लूँगी। और देखिए इतने पर हमें फ्लैप पर सिलाई लगाना है। इस तरीके से इसको अच्छे से रखने के बाद इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरीके से इसे दूसरी तरफ पलट देना है और इसके ऊपर हमें एक और बार 1/4 इंच की दूरी पर आपको सिलाई लगा लेना है। इतनी दूरी पर हमें सिलाई इसलिए लगाना है ताकि जब इस तरीके से फ्लैप आप उठाएं तो अंदर से आपको कपड़ा नज़र नहीं आना चाहिए। तो इसे भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। जैकेट पर हमारी फ्लैप की डिज़ाइन लग चुकी है। अब हम यहाँ पर पॉकेट की डिज़ाइन लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लंबाई में 2.5 इंच और चौड़ाई में 4 इंच कपड़ा लिया है। इसे इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है। मार्क को पहले मैं एक बार डार्क कर लूँगी। पॉकेट की चौड़ाई हमारी 3 इंच होगी तो मैं यहाँ पर 3 इंच पर मार्क लगा लूँगी, 1/2 इंच दोनों तरफ से छोड़ते हुए। पॉकेट पर डिज़ाइन के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर का एक कपड़े का टुकड़ा लिया है। उसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप पे आपको कर देना है। आप चाहे तो इस तरीके से भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। मैं इस पर ट्रायंगल शेप की डिज़ाइन लगा रही हूँ। तो पहले इस तरीके से आपको शेप देकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। उसके बाद हमें इसको इस पर रखते हुए इसे सिलाई लगा कर अटैच कर लेना है। अब जैकेट पर आप इसे अच्छी तरीके से जमाते हुए रखें। जो हमने जैकेट पर मार्क लगाया है उस पर हमें सिलाई को मिलाते हुए रखना है इसे, और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। ये देखिए जहाँ पर मैंने मार्क लगाया है 3 इंच पर, वहाँ से हमें दूसरी तरफ तक सिलाई लगा लेना है। अब यहाँ दोनों तरफ से कपड़ा थोड़ा ज़्यादा छूट रहा है तो मैं इसकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूँगी। अब ये जो दोनों तरफ 1/2 इंच कपड़ा छूटा हुआ है उसे अंदर की तरफ करते हुए इसे हमें दूसरी तरफ पलट देना है इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें तीनों तरफ सिलाई लगा लेना है इस तरीके से। तो ये देखिए एक और पॉकेट की डिज़ाइन हमारी बनके तैयार है। जैकेट की हमारी कंप्लीट सिलाई हो चुकी है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल स्टिचिंग बाय रंगरेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।